हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबीकल एकेडमी। ये बायोलॉजी की पहली क्लास है और ये एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए ये बायोलॉजी की क्लास मैंने स्टार्ट की है। और हो सकता है कि इस साल एग्ज़ाम हो जाए या फिर नेक्स्ट ईयर, तो पक्का होना है और नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही होगा इसका एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब लेट हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अगर अभी से जो लोग प्रिपरेशन करेंगे तो वो काफ़ी बेसिक से और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में तो लोग बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ते हैं। तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसमें एलटी ग्रेड में दो सब्जेक्ट हैं, दो चीज़ें हैं सब्जेक्ट के। जीआईसी में भी वैसे ही है कि एक तो जीएस का पोर्शन है, दूसरा आपका मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट में मैंने बायोलॉजी, मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बायोलॉजी ही पढ़ाती हूँ। और जो जियोग्राफी है वो भी मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी तक जियोग्राफी की दो क्लासेस हो चुकी हैं और बायोलॉजी की ये पहली क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला चैप्टर मैंने बिल्कुल बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू किया है। पहले भी मैंने कई क्लासेस ली हैं बायोलॉजी पे, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ के आगे एक नई शुरुआत के साथ, मैंने एक नई शुरुआत की है आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। तो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मेनली मतलब जब आप एनिमल किंगडम पे जाएंगे तो वहाँ आपको ढेर सारे क्लासिफिकेशन, जो टैक्सोनॉमी है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आप जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि वहाँ से भी 5-6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्पीसीज़ किसने दिया था, या फिर कोई साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जेनरा क्या है, स्पीसीज़ क्या है, ठीक। तो आप लोग देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस चैप्टर को। तो शुरुआत करते हैं। तो एनसीईआरटी तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उसे पढ़ना, और कुछ चीज़ें मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है इतना डिटेल में जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसे दूसरे बुक से लिया हुआ है। अदरवाइज़ जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और वो एनसीईआरटी में काफ़ी क्लियर दी गई हैं, तो वो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट और कुछ नहीं माना जाता है, ठीक। तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर है, इसलिए इसे मैंने अलग से लिया हुआ है दूसरे बुक से। तो ठीक है, पढ़ते हैं। एक एक वर्ड इसका आपको काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा और आपको अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है ये हैबिटॉट के बेसिस पे बात किया गया है, उनके हैबिट और हैबिटॉट की, उनकी हैबिट क्या है, वो कैसे हैबिटॉट में रहते हैं, ठीक। तो उस बेसिस पे यहाँ पे एनिमल को उनके हैबिटॉट के बेसिस पे रखा गया है। तो पढ़ते हैं। पहला, दोज विच लिव इन फ्लोइंग रिवर वाटर आर कॉल्ड लोटी, ठीक। तो ऐसे एनिमल्स जो ऐसे रिवर में रहते हैं जहाँ पर रिवर में क्या हो रही है कि वेव्स बन रही हैं, पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक। तो उसमें रहने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें लोटिक बोला जाता है, ठीक। तो ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से 1-2 नंबर के ये आ जाते हैं, आपके लिए ज़रूरी होगा ये सबको लिखना, अपने नोट्स में लिखिएगा। तो लोटी क्या है, ये आपने ये देखा कि दोज एनिमल, सॉरी, दोज विच लिव इन फ्लोइंग रिवर वाटर आर कॉल्ड लोटिक। तो जो नदियों का पानी जो फ्लो होता रहता है, बहता रहता है, उसमें कुछ एनिमल रहते हैं कि पानी के साथ वो भी बहते रहते हैं, तो उन एनिमल को लोटिक बोला जाता है। पहला, एंड दोज इनहैबिटिंग द स्टैगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड, पूल, लेक एंड स्वैम्प आर कॉल्ड लेंटिक। तो लेंटिक किन्हें, लेंटिक किन्हें बोला जा रहा है कि जो जो शिथिल पानी होता है तालाब का, पूल का, लेक का, ठीक। तो ऐसा पानी जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, पानी एकदम शांत हो, तो शांत पानी में रहने वाले एनिमल को लेंटिक बोला गया। और कहाँ का पानी, पॉन्ड का, पूल का, लेक का और स्वैम्प का, ठीक। ये आपको याद रखना है, भले ही जो मैंने कंटेंट लिया है ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको समझा हिंदी में रही हूँ, तो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप इजली उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा कि मैं इसे इंग्लिश में लेके आई हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, नहीं, समझा मैं आपको पूरा हिंदी में ही रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट है, अमंग्स द मरीन एनिमल्स अ फ्यू लिविंग नियर द फ्रेश वाटर सर्फेस आर पेलेजिक, एंड दोज लिविंग इन द डेप्थ ऑफ द ओशनिक वाटर आर एबाइसल, ठीक। तो आप
एक एक टर्म को ध्यान दीजिए कि ओशन जो है, ओशन के डेप्थ में जो रह रहे हैं, ओशन जो सागर है उसके गहराई में जो रहते हैं, ठीक पानी की गहराई में, उन्हें एपाइसल बोला गया है उन एनिमल को। जस्ट इसी का आप थोड़ा सा उल्टा देखेंगे, अ फ्यू अदर लिविंग नियर द ओशनिक बॉटम आर लिटोरल। ठीक, ये दोनों लाइन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। दोज लिविंग इन द डेप्थ ऑफ द ओशनिक वाटर आर ए बाइसल, अ फ्यू अदर लिविंग नियर द ओशनिक बॉटम। तो वो मतलब एक तो एकदम बॉटम पे है, डेप्थ में है, उसकी गहराई में नहीं, एक क्या है कि पानी की गहराई में है, वो उसके पानी के अंदर का जो सरफेस है, तल है, उस पे नहीं है, पानी के काफ़ी गहराई में पाए जा रहे हैं, उन्हें बाइसल बोला गया। लेकिन जो कहाँ पे है, बॉटम पे है, पानी के अंदर का जो तल है, जो ज़मीन है अंदर, ठीक उसमें जो रहते हैं उन्हें लिटोरल बोला गया। तो आपको दोनों का यहाँ पे थोड़ा बहुत ही बस डिफरेंस है, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्या है, एंड स्टिल अदर लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ ऑन द सी बॉटम आर बेंथिक। ठीक, तो यहाँ पे सी बॉटम की बात की गई है कि समुद्र के बॉटम पे जो रह रहे हैं, और लिटोरल के लिए क्या बोला गया है कि ओशन के बॉटम पे। ठीक, ओशन के बॉटम पे लिटोरल है और समुद्र के बॉटम पे क्या है, बेंथिक है। ठीक, ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं। इन द सेम वे सम एनिमल्स लिविंग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर सबटेरेनियन। तो जो भूमि के अंदर जो ऐसे रहते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर जो रहते हैं, उन्हें सबटेरेनियन बोला गया। अब आगे ये सब काफ़ी छोटी चीज़ें हैं और इन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम सब बड़े बड़े चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों का कंसेप्ट बहुत ही कम क्लियर हो पाता है, तो मैंने इसलिए शुरुआत यहीं से किया है। ठीक, टेरेस्ट्रियल की क्या बात की गई है कि अदर्स इनहेबिटिंग द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे जो रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल बोला गया, सरफेस के अंदर जो रहते हैं उन्हें सबटेरेनियन बोला गया। ठीक, एंड सम ऑफ देम लिविंग ऑन द ट्रीज आर आर्बोरियल, तो जो ट्री पे रहते हैं उन्हें आर्बोरियल बोला गया, एंड स्टिल फ्लाइंग इन द एयर आर एरियल। ठीक, ट्री पे रहने वाले आर्बोरियल और एयर में फ्लाई करने वाले एरियल, द फास्ट रनर्स ऑन द अर्थ आर कर्सोरियल। ठीक, तो अर्थ के सरफेस पे जो जल्दी जल्दी दौड़ने वाले, रन करने वाले हैं, वो क्या है, कर्सोरियल है। वाइल डिगिंग इन द हैबिट आर फसोरियल। ठीक, तो जो जो अर्थ है, सरफेस है, उसको डिग करके उसकी उसे खोद के उसके अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें फसोरियल बोला गया। ठीक, इट इज़ देयर फॉर क्लियर दैट विद दिस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स देयर स्टडी इज़ नॉट सो ईजी। ये तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं रही। अब क्या है, देयर आर वाटर एरियाज वेयर बिग रिवर ज्वाइन द ओशन कॉल्ड एस्चुरीन वाटर। क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, देयर आर वाटर एरियाज वेयर बिग रिवर ज्वाइन द ओशन। जब कोई बड़ी नदी किसी समुद्र में जा करके मिलती है, ठीक, तो उसे एस्चुरीज बोला जाता है, तो एस्चुरीन वाटर बोला गया है यहाँ पे। ठीक, जब कोई बड़ी नदी किसी समुद्र से जाके मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अ फ्यू फिशेज आर अनेबल टू सर्वाइव थ्रू आउट देयर लाइफ इन द मरीन वाटर एज फॉर एग्जाम्पल सैलमन एंड ट्राउट्स। ठीक, तो ये जो सैलमन है, ट्राउट्स है, ये अपनी पूरी लाइफ एक ही मरीन वाटर में रह करके नहीं बिता सकते हैं। ठीक, इन्हें उसके बाहर भी जाना पड़ेगा, तो क्यों जा रहे हैं देखते हैं। दीज फिशेज कम फॉर स्पॉनिंग टू द एसुरीज एंड आर कॉल्ड एनाड्रामस फिश, इन कंट्रास्ट टू दोज विच माइग्रेट फ्रॉम द एसुरीज टू द सी फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग दे आर कॉल्ड कैटाड्रामस। ठीक, अब दो डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो वो फिशेज जो स्पॉनिंग के लिए, मतलब कि अपने एक लेइंग के लिए जो क्या कर रही हैं, दीज फिशेज कम फॉर स्पॉनिंग टू द एसुरीज, एसुरीज में आती हैं। एसुरीज किसे बोला गया, समुद्र का पानी, जब बड़े समुद्र जब किसी सागर से मिलते हैं तो उसे एसुरीज बोला गया, तो जो स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए एसुरीज में जाती हैं उन्हें एनाड्रामस बोला गया। और जस्ट इसी का अपोजिट क्या है कि विच माइग्रेट फ्रॉम द एसुरीज टू द सी, जो एसुरीज से समुद्र में जा रही हैं, ठीक, उन्हें कैटाड्रामस बोला गया। ठीक, ये आपको डिफरेंस समझना है कि कुछ ऐसी फिशेज हैं जो अपनी एग लेइंग के लिए समुद्रों से क्या हो रही हैं, नदियों में जा रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो नदियों से समुद्रों में जाती हैं, तो ये आपको डिफरेंस समझना है, कैटाड्रामस एंड एनाड्रामस। एंड द फिशेज लाइक फ्रेश वाटर ईल्स, ईल्स एक फिश है, एंड बेस्ड ऑन द सैलिनिटी टॉलरेंस ऑफ द फिशेज आर
यूरी हैलाइन। ठीक, तो सैलिनिटी मतलब कि जो खारा पानी होता है, तो कुछ फीसेज ऐसी होती हैं जिनमें खारे पानी को टॉलरेंस करने की, सहने की क्षमता होती है, तो वो क्या है, यूरी हैलाइन है। अब उनके बारे में आगे देखते हैं। यूरी हैलाइन माइग्रेटिंग बिटवीन द फ्रेश वाटर एस्यूरिन एंड सॉल्ट वाटर एंड हैव वाइड सैलिनिटी। ठीक, तो ये क्या करें, माइग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, फ्रेश वाटर से एस्यूरिन में। तो क्या है, जो सागर है उसका पानी खारा होता है। ठीक, तो इसलिए इन्हें यूरी हैलाइन बोला गया। इनमें सॉल्ट वाटर जो होते हैं उसकी टॉलरेंसेस में पाई जाती है। ऑन द अदर हैंड फिशेज हैविंग अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस रिमेन कन्फाइंड आइदर टू फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर और कॉल्ड स्टेनो हैलाइन। ठीक, तो ऑन द अदर हैंड फिशेज हैविंग अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी मतलब बहुत ही कम उनमें सॉल्ट वाटर की टॉलरेंस होती है। ठीक, एंड रिमेन कन्फाइंड आइदर टू द फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। ठीक, तो उन्हें क्या बोला गया, उन्हें स्टेनो हैलाइन बोला गया। अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये इतना ही था, आगे थोड़ा सा बीजी है। हाँ, तो ये रहा टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इन्हें भी। तो बोला गया कि आइडेंटिफिकेशन और रिलेशनशिप, कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल से क्या रिलेशनशिप है और एक एनिमल की क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसे सिस्टमेटिक बोला गया। और सिस्टमेटिक वर्ड जो है, टर्म जो है, ये लिनियस ने दिया था। ठीक, सिस्टमेटिक क्या है, किसी एनिमल की आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसका दूसरे एनिमल के साथ रिलेशनशिप क्या है, इस चीज़ को सिस्टमेटिक बोला जाता है। और सिस्टमेटिक टर्म जो है लिनियस ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1707 से 1778। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी किसे बोला जा रहा है, कि ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच जो किसी एनिमल के आइडेंटिफिकेशन, उसके पहचान के बारे में, उसके नामीकरण के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जब बात करे तो उसे बोला जाता है टैक्सोनॉमी। ठीक, एंड द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज क्वाइंड बाई द APD Candolle ने दिया था। ठीक, तो APD Candolle ने क्या दिया था, टैक्सोनॉमी दिया था। लिनियस ने क्या दिया था, सिस्टमेटिक दिया था। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। एक बार पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। ठीक, अब क्या है, हाँ, कुछ और साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। द क्लासिकल सिस्टमेटिक या ओल्ड सिस्टमेटिक वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाई प्लेटो। तो प्लेटो ने क्या दिया था, ओल्ड सिस्टमेटिक, जिसे क्लासिकल सिस्टमेटिक भी बोला जाता है। एरिस्टोटल एंड वॉज, अच्छा, प्लेटो एरिस्टोटल दोनों थे। ठीक, एंड इसे एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा, लिनियस ने इनके इस क्लासिकल सिस्टमेटिक को एक्सेप्ट किया। एंड दिस सिस्टम प्योरली मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज वॉज एम्प्लॉयड। स्पीसीज आर नोन एज अ सिंगल और फॉर फ्यू स्पेसिमेंस ओनली, एंड इट एक्सप्लेन्स टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट इन विच वन और अ फ्यू इंडिविजुअल वर ब्रॉड। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, कि क्लासिकल सिस्टम जो है सिस्टमेटिक, ये प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने दिया था और लिनियस ने इनके इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। डी कैंडोल ने क्या दिया था, टैक्सोनॉमी दिया था, और सिस्टमेटिक जो है ये लिनियस ने दिया था। इस पेज में इतना ज़रूरी था। एक चीज़ यहाँ पे भी है, हक्सले के बारे में इन्होंने क्या दिया था, द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स। ठीक, न्यू सिस्टमेटिक्स और बायो सिस्टमेटिक्स वॉज गिवन बाई हक्सले। ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि हक्सले ने क्या दिया था, न्यू सिस्टमेटिक या न्यू सिस्टमेटिक और बायो सिस्टमेटिक से बन के इन्होंने एक न्यू सिस्टमेटिक्स बनाया। तो ये हक्सले ने दिया था, जे हक्सले। नेक्स्ट पेज को देखते हैं, कुछ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ बायनोमियल स्टडीज, कीमो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द पार्टिकुलर केमिकल्स। ठीक है, कीमो टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, केमिकल पे। एंड लाइक सेकेंडरी मेटाबॉलिस मेटाबोलाइट्स एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और फेनेटिक और एडेंसनियन टैक्सोनॉमी एक्सप्लेन बाई द एडेंसन बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल मेथड एम्प्लॉयड इन द क्लासिफिकेशन। तो आपको क्या यहाँ पे देखना है, कि कीमो टैक्सोनॉमी क्या है, केमिकल पे जब बेस्ड है कोई टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनेटिक या एडेंसोनियन या टैक्सोनॉमी, एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी किसने दिया था, एडेंसोनियन, ये एडेंसन ने दिया था, यहाँ पे लिखा गया। ये किस पे बेस्ड है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड पे बेस्ड है। ठीक, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज क्या है, हाँ, नेक्स्ट पेज में ये है, ये भी थोड़ा ज़रूरी है यहाँ पे।
तो इसमें क्या दिया था, क्लासिफिकेशन की बात की गई है, तो जो टैक्सोनॉमी क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी का नॉमेनक्लेचर, किसी का क्लासिफिकेशन जब किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें आपकी टैक्सोनॉमी के अंदर आती हैं। तो देयर आर सिक्स मेन टैक्सा, क्या है सिक्स? फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है एंड स्पीसीज है। ठीक, ये चीज़ है, ये टैक्सोनॉमी जो की जाती है किसी एनिमल की, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें पता की जाती है कि उसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली एंड जीनस, ये स्पीसीज, ये सब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आती है यहाँ पे, द वर्ड स्पीसीज, जीनस एंड द फैमिली वर फर्स्ट यूज बाई जॉन रे। ठीक, अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के यही देखा होगा कि स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे ने, लेकिन यहाँ से आप समझिए कि जीनस एंड फैमिली इस वर्ड को भी सबसे पहले जॉन रे ने यूज़ किया था। ठीक, तो ये तीनों आप नोट कीजिएगा, एंड द वर्ड क्लास एंड द ऑर्डर वर फर्स्ट यूज बाई लीनियस। ठीक, क्लास और ऑर्डर वर्ड को सबसे पहले लीनियस ने यूज़ किया, और स्पीसीज, जीनस और फैमिली वर्ड को जॉन रे ने यूज़ किया, और जो फाइलम टर्म है इसे जॉर्ज कुवियर ने यूज़ किया था। ठीक, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि सुप्रा, हाँ सुप्रा स्पेसिफिक ग्रुप क्या है, और यहाँ पे क्या है इन्फ्रा स्पेसिफिक ग्रुप, ये आपको देखना पड़ेगा सुप्रा के अंदर क्या आता है और इन्फ्रा के अंदर क्या आता है। तो ये आप यहाँ से, हाँ यहाँ तक ये सुप्रा में है, और यहाँ से यहाँ तक स्पीसीज से डिमीज तक कहाँ पे है, इन्फ्रा में है। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा सुप्रा के अंदर क्या आता है और इन्फ्रा के अंदर क्या आता है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ये हम सब जानते हैं। ठीक, तो क्या दिया था, एनिमल किंगडम दिया और प्लांट किंगडम दिया, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने भी दो किंगडम दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने भी दो किंगडम दिया, लेकिन उनका इतना मान्य नहीं किया गया। क्या उन्होंने दिया था, ये भी देखना ज़रूरी है अपने लिए, कि मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक, तो लेनियस ने क्या दिया है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, अर्नेस्ट हेकल ने भी दो किंगडम दिया था, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ये है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की, एक ब्रॉड फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या फाइलम है उसके अंदर, क्या फिर आपके सब फाइलम आते हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। पढ़ूँ क्या, चलिए अच्छा पढ़ देते हैं। सब किंगडम है, दो इसे पार्ट में रखा गया, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ में बस प्रोटोजोआ आते हैं, लेकिन मेटाजोआ को फिर से तीन पार्ट में रखा गया, क्या है, मीसोजोआ, पैराजोआ एंड इंटेरोजोआ। अब इंटेरोजोआ की बात करें तो इंटेरोजोआ को दो पार्ट में रखा गया, रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। अब रेडिएटा को दो पार्ट में रखा गया, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। ठीक, रेडिएटा मतलब रेडियल सिमेट्री वाले, बाइलेटेरिया मतलब बाइलेटरल सिमेट्री वाले, ये सब मैंने आपको पहले बताया है क्लासेस में। ठीक, अब क्या है बाइलेटेरिया में, क्या है, तीन चीज़ें हैं, ए सीलोमेट है, सीडो सीलोमेट है और यू सीलोमेट है, मतलब कैविटी के बेसिस पे, सीलोम के बेसिस पे तीन पार्ट में रखा गया, सीलोमेटा मतलब सीलोम, ए सीलोमेट मतलब सीलोम अब्सेंट है, सीडो सीलोमेट मतलब सीलोम जो है पैचेस के फॉर्म में ऐसे ऐसे। ठीक, यू सीलोमेट मतलब सीलोम ट्रू है, एक कंप्लीट सीलोम पाया जा रहा है। देन है आपका यहाँ पे, हाँ अब क्या आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे 13 चीज़ें हैं, क्या है, एक्टोप्रोक्टा है, ब्रैंकियोपोडा है, फोरोनीडा है, मोलस्का है, एरनीडा एनेलिडा है, फिर है सिपंसुलीडा है, इकाइरोइडी है, ऑर्थ्रोपोडा है, कीटोग्नाथा है, इकाइनोडर्मेटा है, पोगोनोफोरा है, हेमिकॉर्डेट है और कॉर्डेट है। ठीक, इतनी चीज़ें हैं, आप इसे नोट कीजिएगा और दो तीन बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, ये आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर देखते टाइम ही आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कि बस जैसे है कि अरिस्टोटल ने क्या दिया था और जॉनसन ने क्या दिया, ये सब आपको एक ब्रॉड फॉर्म में देख लेना है, आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं आज की क्लास में, और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बड़े बड़े फिजियोलॉजी सारी चीज़ों को पढ़ ले जाएंगे, लेकिन अगर इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने 4-5 मार्क्स को खो सकते हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आज के लिए बस इतना ही, और
रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप डेली वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़, और देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।